Hello students, so this is where we had left last session and we'll be beginning from the first part again, part A of the chapter. See, there are a very few bits and pieces which are remaining and now you guys are in the position to understand those things as well, you know. For example, in part A of the chapter, you have been given a formula. V is equal to under root P by D. ऐसा कोई तो एक formula दे रखा है, correct? This is the formula for speed of sound in a gas. Speed of sound in any gaseous medium. Yes, वो कैसे निकालना है? So where V is the velocity of sound. ठीक है, d is the density of the medium, p is the pressure in the gas, and ये जो gamma जैसा दिख रहा है, yes, it is nothing but the ratio of two specific heats. वैसे तो ये समझने की जरूरत भी नहीं है और शायद समझे भी ना तुम लोगों को, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ. सी, एवरी सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो तुम लोग कैलोरीमेट्री चैप्टर में बहुत डिटेल से सीखने वाले हो कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है, राइट? बट अभी के लिए, फॉर नाउ गाइस, स्पेसिफिक हीट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर टू डिफरेंट और इन टू डिफरेंट वेज. यस, इट कैन बी ईदर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. यस, तो इसको बोलते हैं सीपी एंड सीवी. ठीक है, व्हाट इज सीपी? इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. देखो क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है. यस और नो? किसी भी चीज का टेम्परेचर, ये गैस है, गैस में साउंड ट्रेवल कर रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज. ये तो बेसिक सीखा है, कॉमन सेंस वाला चीज है, करेक्ट? तो स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाता है. ना? तो हमको क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम. यस, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. अब हर मीडियम के लिए ये चीज फिक्स होती है, जैसे फॉर एयर दिस रेशियो इज 1.4. यस, जो मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं, मोनो एटॉमिक, यस, जैसे एयर, यस, नहीं, एयर इज नॉट मोनो एटॉमिक गैस, एक टिपिकल गैस विच इज मोनो एटॉमिक, उसके लिए ये वैल्यू रहेगा 1.67, है ना? मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल नियॉन, आर्गन, दीज आर ऑल मोनो एटॉमिक गैसेस, करेक्ट? तो इनके लिए ये रेशियो रहेगा एस. सो इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी पर्टिकुलर मीडियम ऑल्सो. ठीक है, ये तो बुक में भी दे रखा है. तो ऐसे गैस के साथ ये सारी चीजें चेंज होगी. नाउ व्हाट हैपेंस इफ द टेम्परेचर चेंजेस? देखो बच्चों, टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंड करता है. यस, अब दो केसेस है, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा इफ देर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखो, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, if the temperature of the medium increases, yes, then the speed of sound will also increase. If the temperature increases, then the speed of sound will also increase. And if the humidity of gas increases, then also the speed of sound increases.
अब ऐसा क्यों होता होगा, ये बुक में दिया है सब, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता होगा? सी, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, द डेंसिटी विल डिक्रीज, यस और नो? इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डेंसिटी विल डिक्रीज, एज द डेंसिटी डिक्रीजेस, यहां आ जाओ फॉर्मूला में, ये देखो डेंसिटी इज इन द डिनोमिनेटर, इफ द डेंसिटी डिक्रीजेस देन द स्पीड विल डेफिनेटली इंक्रीज, द स्पीड विल इंक्रीज फॉर श्योर, हाँ कि नहीं? यस, नाउ व्हाट हैपेंस इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, इफ द ह्यूमिडिटी गोज अप देन ऑल्सो द डेंसिटी विल डिक्रीज, then also the density will decrease. अब तुम लोग बोलोगे सर humidity बढ़ गया तो density बढ़ना चाहिए, अरे ये है density of gas rate. देखो यहाँ पे थोड़ा सा gas है, yes, this is, these are the particles of gas, ठीक है? अब देखो ये इतना एरिया ले लो, इतना एरिया, इतने एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं गैस के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस, दीज मेनी आर द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, हम लोग गैस की बात कर रहे हैं. अब इसमें ह्यूमिडिटी आ गई, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर आ गया, हाँ कि नहीं? अब बढ़िया, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट, यस और नो? सो इस एरिया का मास पर यूनिट वॉल्यूम, यस, तो चेंज हो गया कि नहीं, डिक्रीज हुआ कि नहीं? सी, मास बढ़ गया, यस, मतलब डेंसिटी ओवरऑल इंक्रीज हो गया बच्चों, ओवरऑल ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीजेस, बट जो गैस का डेंसिटी है, सिर्फ गैस के पार्टिकल्स का, अब वो तो कम दिखने लग गया ना, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स अब कम दिख रहे हैं, सो गैस का डेंसिटी तो डिक्रीज हो गया, और अगर गैस का डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो द स्पीड, द वेलोसिटी of sound will increase. Formula में देखो, the velocity of sound increases. आ रही है बात समझ? है ना? और the speed of sound does not change or is not affected with the change in pressure. अब तुम बोलोगे यार सर formula में तो pressure है, अरे but pressure तो temperature पे depend कर रहा है ना, और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेंसिटी चेंज हो रहा है, और अगर डेंसिटी चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर उसमें ऐड हो गया, हाँ कि नहीं? देखो डेंसिटी डिक्रीज हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया मतलब प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑलरेडी वो उसमें आ गया, तो प्रेशर इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी, प्रेशर इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी, तो ये दोनों सब इंटरडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, है ना? तो हमको सेपरेटली प्रेशर को एनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है, और टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, जब तुम डेंसिटी की बात करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रेशर ये चीज इंक्लूड हो ही जाएगी, ठीक है क्या? एंड दिस इज द केस फॉर स्पीड ऑफ साउंड में कैसे और क्या चेंज होता है, ठीक है ना? पूरे क्लास में एक बच्चे ने सिर्फ मुझसे बोला है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, वो भी मैंने बोलने के बाद कि हाँ टेक्स्ट बुक पढ़ो, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ये कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड में क्या चेंज होता है, सो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो स्पीड ऑफ द साउंड विल इंक्रीज, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विल इंक्रीज इन टेम्परेचर, गिव रीजन, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द डेंसिटी ऑफ द एयर विल डिक्रीज, इफ द डेंसिटी डिक्रीजेस देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Yes, the speed of the sound will increase. क्योंकि denominator छोटा हो गया. अरे बहुत डिटेल में टॉपिक है ये, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. तुमको जितनी जरूरत है उतना बता रहा हूँ. ठीक है? Yes. फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला दिया है. In a string, देखो अभी तक हमने जो देखा वो तो था speed of sound in gas, है ना? Speed of sound in gas. तो अब solid में ट्रांसवर्स वेव, अभी तक जो चल रहा था ये सब था लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो ये सारा केस क्राइटेरिया कंडीशन वाज फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव. नाउ फॉर अ ट्रांसवर्स वेव जो स्ट्रिंग पे ट्रेवल करता है, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लिया तुमने, सो द वेलोसिटी ऑफ द साउंड
स्पीड ऑफ द वेव, दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये साउंड नहीं है, दिस इज स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। इसके ऊपर जो वेव ट्रेवल करेगा ना ऐसे दिखेगा, दिखेगा कोई ट्रेवल नहीं कर रहा है उधर, सब लोग अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, कोई ट्रेवल नहीं कर रहा है वहां पे, दिख रहा है लेकिन डिस्टर्बेंस तो ट्रेवल कर रहे हैं, ये पार्टिकल ने इसको धक्का लगाया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, यस दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव इज गिवन बाय द फॉर्मूला टी बाय एम, वेयर टी इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन मतलब क्या? टाइटनेस, कितना टाइटनेस है वो स्ट्रिंग के अंदर, जितना ज्यादा स्ट्रिंग टाइट रखोगे यस उतना ज्यादा स्पीड रहेगा, द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यस तो उस पर डिपेंड करता है। एंड एम, एम इज नथिंग बट द मास पर यूनिट लेंथ, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लो यूनिट लेंथ इतना, करेक्ट, तो उसका मास कितना रहेगा, फॉर एग्जांपल मास पर यूनिट लेंथ व्हिच इज फिक्स्ड फॉर द स्ट्रिंग। तो अगर एक स्ट्रिंग लेता हूं उसको हम ऐसे वाइब्रेट करते हैं, झटका मारते हैं, तो ऐसा वेव जाते हुए दिखेगा, उसका स्पीड, उसका स्पीड मतलब डिस्टर्बेंस का स्पीड, ये दे रखा है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। सो पार्ट ए से ये पर्टिकुलर टॉपिक पेंडिंग था तो वो सिखा दिया बच्चों। यार मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज तुमको टेक्स्ट बुक में जो है वो समझे, है ना, आई डोंट गिव यू बहुत सारा एक्स्ट्रा का ज्ञान और नॉलेज, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम बेसिक्स को स्ट्रांग रखो, है ना, जब अगले क्लासेस में जाओगे 11 12th में तब यही सारी चीजें बहुत डिटेल और डेप्थ में हो जाएगी, है ना, तो जब जरूरत रहेगी बेसिक से डेप्थ तक सब सिखाऊंगा, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल तक, है ना, अभी के लिए जितनी जरूरत है उतना पढ़ो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा प्रिपेयर करो साथ साथ में, है ना, विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम का प्रिपरेशन, यस, लेकिन बिना समझे प्रिपरेशन नहीं हो सकता बच्चों, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रट रुटा की कोई प्रिपरेशन नहीं होगा, तो समझो चीजों को, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में दे दिया है हाँ कर लो, एटलीस्ट थोड़ा जितना जरूरत है उतना तो समझो। चलो एनीवेज बस हुआ ज्ञान, लेट्स कम टू पार्ट बी। अब पार्ट बी में कुछ चीजें मैंने फिर छोड़ दी, सारे फॉर्मूला छोड़ दिए, है ना, अब हमने फ्रीक्वेंसी की बात की, यस मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, हर चीज का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, ये इतना पेंडुलम है इसका फ्रीक्वेंसी अलग, ये इतना पेंडुलम है उसका फ्रीक्वेंसी अलग, है ना, चलो इतना ही पेंडुलम लेते हैं लेकिन टेढ़ा मेढ़ा लेते हैं इसको, इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट लगाया वो अलग है, यस, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है द शेप साइज डायमेंशंस के ऊपर, यस मटीरियल के ऊपर, कि किस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना है, उसका शेप साइज कैसा है, क्या है, करेक्ट। तो अगर फ्री वाइब्रेशंस का पार्ट देखोगे तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ अ ऑफ पेंडुलम, यस, और ये तुमने लास्ट ईयर सीखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2π√gL, ये मैंने सिखाया है, है ना, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना, मतलब इफ द लेंथ इंक्रीजेस, इफ द लेंथ इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, एंड इफ द लेंथ डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अब ये फॉर्मूला कैसे, क्यों, कहां, वो सब छोड़ दो, ये एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया है, this is experimental, we are assuming g to be constant at 9.8 only, to sirf f pe length pe depend karega pendulum pe, yes, ye mass pe bhi nahi depend karta hai ki yahan kitna mass laga hai, dekho do pendulum lete hai, ek itna bada hai aur length same hai, length dono ki same hai, correct, to in dono ka frequency same rahega, kyun, अरे क्योंकि मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे मास है क्या कहीं फॉर्मूला में, कहीं नहीं है, सो
सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास एट ऑल. करेक्ट. अब सपोज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, सी देयर इज एन ऑब्जेक्ट जो हमने कल देखा नहीं था, ये स्प्रिंग, यस, और इसको एक लोड लगा दिया मैंने एम. ठीक है, अब मैं इसको पुल करता हूं नीचे और छोड़ देता हूं, यस नो, तो ये मोशन करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ऑसिलेशन करेगा एक सेकेंड में, इज 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम. एक चैप्टर आएगा इसके ऊपर पूरा अगले साल, चैप्टर ऐसा समझो, कंप्लीट स्प्रिंग्स पे, स्प्रिंग पे एक चैप्टर आएगा, है ना. तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल, अभी के लिए बस इतना समझना है के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना. अब स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये चीज ये बताता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना हार्ड है या कितना इलास्टिक है, ये चीज समझाता है स्प्रिंग कांस्टेंट. तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमको बताती है हाउ हार्ड इज द स्प्रिंग, हाउ इलास्टिक इज द स्प्रिंग. जैसे तुम्हारा साइकिल होता है, साइकिल का शॉकअप्स होता है ना, साइकिल का या बाइक का, उसका स्प्रिंग कैसा होता है, एकदम थिक होता है, थिक, ऐसे इतना जाड़ा होता है उसका स्प्रिंग, हाँ कि नहीं, ऐसे राउंड, बहुत जाड़ा होता है, थिक होता है, करेक्ट. वेयर एज पेन होता है, पेन, पेन के अंदर रिफिल के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो कितना पतला सा होता है, ऐसा, है ना. तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है कि स्प्रिंग कैसा है, उसका नेचर क्या है, कितना इलास्टिसिटी है उसमें, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड दिस एम इज नथिंग बट दिस मास ऑफ द लोड, दिस इज कॉल्ड एज लोड. उसके ऊपर कितना लोड हमने चिपका दिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना है, है ना. दिस इज मास ऑफ द लोड अटैच टू इट. ठीक है, तो इस मास पे डिपेंड करेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, और इस स्प्रिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा. एंड द फॉर्मूला इज दिस, कैसे डिराइव किया, क्यों, क्या, कब, कहां, ये सब धीरे धीरे समझोगे, है ना. फ्लूइड का तो मैंने कल बता ही दिया था तुम लोगों को, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूइड सीधा सीधा इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यस. एंड बाय ब्लोइंग इन द एयर इन डिफरेंट डिफरेंट, बाय क्लोजिंग डिफरेंट होल्स, द फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3, है ना. याद है F0, twice of F0, thrice of F0, ऐसे बताया था. तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, रेशो 1:2, 2:3, करेक्ट. ये है सिंगल नोट, यस, ये है डबल नोट, ये है तीन नोट्स, ऐसे. अगर इसको F0 बोल दिया तो ये हो गया twice of F0, ये हो गया thrice of F0, है ना. मतलब सिर्फ फर्स्ट होल अगर मैं फ्लूट का ओपन रखूं, ये फ्लूट है, इसका फर्स्ट होल ओपन रखूं तो ऐसा नोट प्रोड्यूस होगा. पहले दो होल्स ओपन रखे तो इतनी स्पेस बन जाएगी एयर कॉलम, तो ऐसा नोट प्रोड्यूस होगा. तीन होल्स अगर मैं ओपन रखूं तो और एक यहाँ पे शायद बन जाए, है ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट उसका सब साउंड फ्रीक्वेंसीज चेंज होता है, करेक्ट. और अगर मैं दूसरा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, जैसे गिटार, सितार, वायलिन एंड ऑल ऑफ दोस, ठीक है, सी उसका स्ट्रिंग रहता है ऐसे, गिटार, सितार एंड ऑल ऑफ दोस, उसका जो वाइब्रेशन, कि मैं इसको यहां प्लग करूं तो वाइब्रेट करेगा, उसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F=1/2L√T/AD, √T/A×D, where L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग्स लिए हमने अलग अलग लेंथ, एवरीथिंग एल्स इज सेम, इन दोनों का मटेरियल सेम, डेंसिटी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, सब थिकनेस सेम, यस और नो. तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यस, मतलब ये लेंथ ज्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, provided all other things are same. Then it also depends on the tension.
टी फॉर टेंशन जो तुम मैथ्स के एग्जाम के पहले लेते हो. यस नहीं, इधर टेंशन मतलब टाइटनेस, ठीक है. और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रेडियस. और थिकनेस, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल. ऑब्वियसली स्ट्रिंग है, धागा है, यस, थ्रेड, तो वो सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर ही होगा उसका. समझ रहे हो बात को? तो हर ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, एवरीथिंग, हर एक चीज का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता है. और डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी इट विल प्रोड्यूस अ साउंड अकॉर्डिंगली. यस, विद दिस वी आर स्लोली स्लोली एंटरिंग इनटू द पार्ट सी ऑफ द चैप्टर, है ना. ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, क्यों इतने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या होने वाला है फ्रीक्वेंसी से, क्यों पढ़ रहे बकवास इतने फॉर्मूला याद करूं मैं अननेसेसरी. बच्चों इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा द पिच ऑफ साउंड. व्हाट डू यू मीन बाय पिच, ये सब लास्ट ईयर पढ़ा है ना, और थोड़ा डिटेल में यहां पे पढ़े. Pitch is nothing but the shrillness of sound. Yes, हिंदी में बोले तो तीव्रता, TIVRATA, तीव्रता. अरे कोई लड़की का नाम नहीं है भाई, तीव्रता मतलब shrillness, कितना तीव्र है sound. Yes, या तीक्ष्ण. समझ रहे हैं? The difference between the voice of a male, a man, or a female is very clear to you. Very clear. आप बन करके या तुम जा रहे हो, पीछे से किसी ने आवाज दिया, तो generally, unless and until किसी आदमी का आवाज थोड़ा लड़की की तरह है या लड़की का आदमी की तरह है, तुमको समझ में आ जाएगा कि मुझे किसी मेल ने आवाज दिया या किसी फीमेल ने, लड़की ने आवाज दिया. यस और नो? यस. कोई लड़का जा रहा है, उसको पीछे से लड़की का आवाज आया, खुश हो जाएगा, अरे किसने बुलाया, है ना. नहीं, ऐसा नहीं, अभी पढ़ाई का टाइम, राइट. सो यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू साउंड्स, क्योंकि उन दोनों साउंड का श्रिलनेस अलग है. यस, मेल का साउंड थिक होता है, थिक ज्यादा होता है, और फीमेल का साउंड थिन होता है, ऐसा थिन. सो थिक साउंड इज फॉर मेल एंड थिन साउंड इज फॉर फीमेल. आई बात समझ? और थिक जो साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है, और थिन जो साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है. यस yes? मतलब जो साउंड लो फ्रीक्वेंसी का है, यस yes? वो मेल का साउंड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, बेबी को बेस पसंद है. बेस होता है ना, बेस. यस yes? बेस पता है ना, बेबी को बेस पसंद है, वो बेस तो पता होगा. बेस हैज गॉट अ लो फ्रीक्वेंसी. एंड ये दूसरा के घुंघरू टूट गए. यस, ट्रिबल. ट्रिबल का साउंड जो होता है, या जो डीजे सिस्टम होता है उसमें बेस होता है, ट्रिबल होता है. आई होप यू नो. बेस का आवाज मतलब ड्रम्स, तबला. यस, दीज आर ऑल बेस. और ट्रिबल मतलब फ्लूट. फ्लूट इज ट्रिबल. देन घुंघरू. घुंघरू इज ट्रिबल, है ना. तो छन 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 वाला जो पायल का आवाज होता है, दैट इज ट्रिबल. और डम 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 जो तबले का, डम ड्रम्स का आवाज होता है, दैट इज बेस. यस, तो बेस इज ऑलवेज लो फ्रीक्वेंसी एंड ट्रिबल इज ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी.
इसको थिक के साथ साथ फ्लैट साउंड भी बोलते हैं, फ्लैट, दिस इज अ फ्लैट साउंड, थोड़ा थिक होता है उसको फ्लैट साउंड भी बोलते हैं, करेक्ट। एंड ये जो है हाई पिच वाला, इसको श्रिल बोलते हैं, श्रिल, श्रिल। सो दिस इज फ्लैट एंड दिस इज श्रिल, समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि आवाज कैसा आने वाला है, है ना। वॉल्यूम रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इफ द फ्रीक्वेंसी चेंजेस देन ये सारे चेंजेस आते हैं, आ रही है बात समझ, करेक्ट। सो पिच ऑफ द साउंड, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। नाउ सी, मैं दो साउंड वेव्स बना रहा हूं, विल मेक टू साउंड वेव्स एंड दोनों में लेट्स कीप द एम्पलीट्यूड इक्वल। ये एक साउंड वेव है, ठीक है ना, और इसका एम्पलीट्यूड है लेट्स से ए, तो यहां पर भी मैं ए एम्पलीट्यूड का ही साउंड बना रहा हूं, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, अज्यूम द एम्पलीट्यूड इज सेम। आ गाइस, थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो गया, बट देखो यहां पे वन सेकेंड में, सपोज दिस टाइम इज वन सेकेंड, यहां पे टाइम, यस, एक सेकेंड में कितना वेव हुआ, सिर्फ एक, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, है ना। यहां पे एक सेकेंड में कितना वेव हो गया, 1, 2, सो यहां फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज इन 1 सेकेंड। देखो अभी एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, ए ए, बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, है ना। तो ये साउंड और ये साउंड का जो वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, वॉल्यूम सेम है लेकिन पिच अलग है, पिच इज डिफरेंट, क्योंकि चेंज क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी, एंड पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी हुआ फॉर एग्जांपल 256 हर्ट्ज, तो इसका उससे डबल रहेगा 512 हर्ट्ज, है ना। एम्पलीट्यूड सेम है, वॉल्यूम सेम है उसका, वॉल्यूम इज डिफरेंट, पिच इज डिफरेंट, यस। देखो अभी मैं इसी वॉल्यूम से बात कर रहा हूं, और बात करते करते मैंने सिर्फ अपना पिच चेंज कर दिया, मेरा वॉल्यूम उतना ही है अभी भी, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम उतना ही है, लाउडनेस उतना ही है, पिच अलग हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस। सम एग्जांपल्स वेयर पिच इज इन्वॉल्व, वेयर pitch is involved, है ना। एक तो हमने फ्लूट देख ही लिया कितनी बार, जिसके पास होगा बजा के देख लेना। When you close different different holes, the sound is different. Yes or no? A lower note is obtained. Yes, if you close more holes. अगर हम क्लास में होते तो मैं ये प्ले करके बताता प्रॉपरली, तो समझ में आता डिफरेंस। लोअर नोट मतलब लो फ्रीक्वेंसी, है ना, लोअर नोट मतलब लो फ्रीक्वेंसी, मतलब थोड़ा सा थिक वॉइस रहता। इफ यू क्लोज मोर होल्स एंड इफ यू क्लोज लेस होल्स देन थोड़ा सा तीव्र, व्हाट डू यू से, श्रिलर साउंड, थोड़ा सा श्रिलर साउंड रहेगा। सेकेंड, वॉटर बकेट। अच्छा देखो, यू आर वॉचिंग अ मूवी फॉर एग्जाम्पल, और तुमको नहाने जाना है, तुमने टैप ओपन किया बकेट के अंदर, दिस इज योर बकेट, और यहां से पानी अंदर गिर रहा है, यस। सो इवन वेन यू आर नॉट नियर, तुमको ये डेफिनेटली पता होता है कि बकेट कितना भरा होगा, पूरा भर गया होगा या थोड़ा भरा होगा,
पता होता है कि नहीं, समझ में आता है कि अरे शायद बकेट भर गया, यस और नो? यस। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई रीड्रॉ द डायग्राम अगेन। ये बकेट, बड़ा बकेट लेते हैं थोड़ा, है ना, ये यहां पर टैप है हमारा, यस। पहले सी यहां से यहां तक पूरा बकेट खाली है, सो दिस इज माई एयर कॉलम, एयर कॉलम, हाँ कि नहीं? सो नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, इतना बड़ा, करेक्ट। फिर इतना पानी भर गया, तो यहां तक पानी भर गया। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ माई एयर कॉलम, इतना, मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम रिड्यूस हो गया, यस और नो? एंड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। इफ द एयर कॉलम का लेंथ डिक्रीजेस, बच्चों इस केस में भी फ्लूट के जैसे वर्क करता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। सो लेंथ ऑफ एयर कॉलम रिड्यूस हुआ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो द साउंड विल बिकम मोर श्रिल। जितना ज्यादा साउंड श्रिल होता जाएगा तुमको समझ में आता जाएगा कि अरे यार ये तो बकेट भरने लग गए, हाँ कि नहीं? फिर यहां तक भरेगी। इट इज अ वेरी कॉमन एंड एवरीडे एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, यस और नो? उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कि साउंड चेंज होता है जैसे जैसे बकेट फिलअप होते जाता है। नाउ सी द लेंथ कॉलम हैज डिक्रीज्ड इवन फर्दर, यहां तक पानी भर गया। नाउ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इवन फर्दर एंड द साउंड बिकम्स श्रिलर और मोर श्रिल, एंड देयरफोर वी गेट टू नो कि हाँ यार बकेट भर गया, तो चलो जल्दी से बकेट बंद करना, करेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी के सारे पिच से रिलेटेड ये सब एग्जांपल्स है, है ना, ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो, समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस, है ना? जो लोग म्यूजिक सीखते हैं, वोकल्स हो, सिंगिंग हो, है ना, उसके बाद फ्लूट हो, गिटार हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनको तो इस चीज का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है यार, इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इट इन अ प्रॉपर वे। सो उसके टेक्निकलिटीज ये सब रहते हैं। आ रही है बात समझ? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट समझने लायक, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉट सेम, पिच और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। पिच इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड, और चलो पिच वर्सेस फ्रीक्वेंसी, पिच फ्रीक्वेंसी नहीं होता, पिच एक ऐसा चीज है विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सी पिच इज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यस। सेंसेशन मतलब, अब देखो मेरा जो आवाज है बच्चों, वो किसी को किस तरह से आ रहा रहेगा, किसी को और थोड़ा डिफरेंट सुनाई आ रहा होगा और किसी को और डिफरेंट सुनाई आ रहा होगा। सबके लिए मेरा आवाज अंदर कान में सेम नहीं है, यस। किसी को मेरा आवाज थोड़ा पतला लगता होगा, किसी को थोड़ा थिक लगता होगा, पतला मतलब किसी को थोड़ा श्रिल लगता होगा, किसी को थोड़ा सा फ्लैट लगता होगा, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे, यस। सो सेंसेशन ऑफ हियरिंग है, यस, विच डिपेंड्स और चेंजेस और डिपेंड्स ऑन द लिसनर। देखो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये तीन बच्चे यहां पे बैठे हैं, है ना, और मैं यहां से कुछ तो बकवास कर रहा हूं, ये मैं हूं यहां से बकवास कर रहा हूं, भाषण झाड़ रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, है ना। तो ये बच्चा बोलेगा कि यार सर का आवाज कितना लड़की जैसे है, ये बच्चा बोलेगा कि नहीं सर का आवाज तो नॉर्मल है, और ये बच्चा बोलेगा सर का आवाज तो बहुत मैनली है, यस yes? तो इनके हियरिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इसके कानों में कुछ तो प्रॉब्लम है,
ये बच्चा बेचारा नॉर्मल है और ये बच्चे को थोड़ा ज्यादा थिक सुनाई आता है। अरे इनके हियरिंग एबिलिटी का प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा आवाज तो नॉर्मल है या जैसा है वैसा है, यस और नो, है ना। सो ये जो चीज है पिच, पिच इज वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या, सब्जेक्टिव एग्जाम लिखते हो ना, सब लोग अपना अपना आंसर फेंक के आते हैं कुछ भी, यस और नो, थ्योरी में कुछ भी फेंकते हो सब लोग, तो सब्जेक्टिव, अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर लिख के आ सकता है ना। सो सब्जेक्टिव है, पिच इज वेरी सब्जेक्टिव, यस, एंड इट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव साउंड का स्टडी देता है ये, है ना, इट गिव्स यू द क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ साउंड, वेयर एज फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द लिसनर। अब देखो यही तीन बच्चे यहाँ पे एक डिवाइस लेके बैठे हैं, इसने एक डिवाइस अपने हाथ में रखा है, इसने एक डिवाइस और इसने एक डिवाइस, है ना, ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर करता है। इसका डिवाइस दिखाएगा 200 हर्ट्ज, इसका डिवाइस दिखाएगा 200 हर्ट्ज और इसका डिवाइस दिखाएगा 200 हर्ट्ज, यस और नो, यस। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन लिसनर, इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटेटिव, मेजरेबल मतलब क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, यस, फ्रीक्वेंसी एक मेजरेबल क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए सेम, ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए सेम होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द लिसनर्स एबिलिटी, है ना, किसी को कैसा सुनाई आता है, किसी को कैसा सुनाई आता है भाई, तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी है, यस, जो मेजरेबल है, ऑब्जेक्टिव है, फिक्स है, किसी एक पर्टिकुलर साउंड के लिए इट इज फिक्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, द ओनली थिंग इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। देखो अभी यहां से मैं बोल रहा हूं तो मेरा फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज का आया, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इफ आई चेंज द सोर्स ऑफ साउंड, यहां पे मैं एक फ्लूट बजा देता हूं, मस्त फ्लूट, यस, फ्लूट बजाया मैंने यहां से, तो ये चेंज हो जाएगा, ये बताएगा 2000 हर्ट्ज, समझ में आ रहा है क्या, करेक्ट। सो जब मैं सोर्स ऑफ साउंड चेंज करूंगा तब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, पिच तो चेंज होगा ही होगा रे, बट फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ये सम, एक और एग्जांपल देता हूं पिच का, पिच देखो, सपोज तुमने फोन किया, ये तुम हो, तुमने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, उसके पापा ने फोन उठाया, पापा ने, यस, और तुमको लगा कि अरे तुम्हारा फ्रेंड ही बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड का, यस, और उसके पापा का आवाज एकदम सेम सेम लगता है, होता है ना ऐसे कि फ्रेंड का और पापा का आवाज एकदम सेम मैच होता है, यस, तो तुमको लगेगा कि तुम्हारा फ्रेंड ही बात कर रहा है, और जैसे ही उसने फोन उठाया, हेलो बोला, तुमको लगा फ्रेंड है, तुम चालू हो गए अपना कुछ भी बोलना, बाद में पता चला अरे भाई गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, यस, पापा थे, लेकिन हो सकता है कोई और पर्सन है, एक और पर्सन है, ठीक है, वो बोले कि नहीं भाई इन दोनों का आवाज तो एकदम अलग है, पापा का आवाज फ्रेंड से मिलता ही नहीं है बिल्कुल, फ्रेंड के पापा, यस नो, तो इसको अलग लग रहा है कुछ, इसको अलग लग रहा है, लेकिन यार आवाज तो दोनों का जो है वो है, प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों का जो आवाज है जो है वो है, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का फीलिंग अलग अलग है साउंड को लेकर, यस। अगर मैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मीटर लगा दू और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मीटर लगा दू,
तो ये हमेशा 200 हर्ट्ज दिखाएगा, ये हमेशा 300 हर्ट्ज दिखाएगा, फॉर एग्जांपल, है ना। सो वो फिक्स है, लेकिन इन दोनों का परसेप्शन अलग है। परसेप्शन, आई क्या बात समझ, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यस, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का स्टडी हमने किया है। Yes. So with this, let's listen to the sound of different frequencies. देखो 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो बस मेरा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। बच्चों देखो, इसके साथ साथ में नए टॉपिक की तरफ जाने वाला हूँ, सो ध्यान दो, है ना। This is the sound of, चलो 70 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड है, आवाज आ रहा है, देखो। यस, इट इज फ्लैट, थिक साउंड है, थिक थिक थिक, जैसा ना। देखो, दिस इज लाइक अ साउंड ऑफ द चॉक ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर चॉक से लिखते हैं ना, तो कैसा गंदा सा आवाज आता है, इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट एवर। सो दिस इज द साउंड। जो लोग हेडफोन लगा के बैठे होंगे उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा अभी, है ना। ध्यान से सुनो, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे हो रहा है। लुक एट द वेवफॉर्म्स आल्सो, साउंड के साथ साथ, दीज मेनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ओके, आर यू एबल टू हियर अ मच्छर का आवाज, मॉस्किटो ऑफ अ साउंड, द साउंड ऑफ अ मॉस्किटो, मॉस्किटो ऑफ अ साउंड नहीं, साउंड ऑफ अ मॉस्किटो इज लाइक दिस। ओके, अब ऑलमोस्ट कुछ सुनाई नहीं आ रहा होगा, गाइस मुझे सुनाई आ रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग अ हेडफोन और एक्चुअली आई एम कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, सो मुझे सुनाई आ रहा है, तुम लोगों को शायद रिकॉर्ड ना हो आवाज। यस, नाउ हेडेक चालू हो गया है मुझे, इतना ज्यादा गंदा सा आवाज आ रहा है। जस्ट लुक एट द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, तो 20,000 के ऊपर तो कुछ सुनाई नहीं आएगा वैसे भी, करेक्ट। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा,
या सोर्स ऑफ साउंड चेंज होगा, उसका वेव का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, हाँ कि नहीं? ये देखो, और साउंड भी आ रहा है यार, 20 हर्ट्ज पे इसका कोई साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन स्क्वायर वेव का साउंड आ रहा है ऐसा, हाँ कि नहीं? ये है ट्रायंगुलर वेव, इसका आवाज सुनो ध्यान से 20 हर्ट्ज पे। This is another triangular wave. ऐसे ट्रैक्टर की तरह आवाज आ रहा है, ट्रैक्टर है ना, या फटफटी रहती है ना बुलेट, उसको कलेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रेशर
वर्सेस टाइम ग्राफ जो हमारा है उसमें कन्वर्ट करके बताता है, राइट? दैट इज द वर्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यस. नाउ इफ द साउंड इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी देन द वेव फॉर्म्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस. है ये सिमेट्रिकल, दिखने में अच्छा है. सो दिस साउंड विल बी ऑफ गुड क्वालिटी. गुड क्वालिटी, ठीक है. ये एक इंस्ट्रूमेंट का आवाज है. लेट्स से तुम डीजे में जा रहे हो, डीजे नहीं रॉक कॉन्सर्ट, रॉक बैंड, यू नो रॉक बैंड में जा रहे हो ना, तो ये गिटारिस्ट का आवाज है. गिटारिस्ट जो गिटारिस्ट है उसके उसके इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म ऐसा बनता है, ठीक है. फिर वहां एक ड्रमर रहेगा, तो ड्रमर वाले का वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये ड्रम्स का आवाज. यस. और कोई तीसरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ये उसका वेव. ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं, हाँ कि नहीं? और स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सर्ट 5-10 मिनट तक वो ट्यूनिंग करते हैं. ट्यूनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. एक बंदा होता है वो किसी को तो बताते रहता है, हाँ ऐसा कर वैसा कर, इसको इधर चेंज करो उसको उधर चेंज करो. यस. जब ये सारे साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक ऐसा वेव फॉर्म बनेगा. देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. कुछ भी हो सकता है, हाँ ये कुछ भी हो सकता है बच्चों. Now, is it also symmetrical? Yes, symmetrical. ये देखो ये एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, दूसरा वेव कंप्लीट हुआ, तीसरा वेव कंप्लीट हुआ, है ना? Symmetrical है. तो ऐसा symmetrical जब भी combination बनेगा, superimpose. देखो ये सारे जो वेव थे पहले, कोई ऐसा था, है ना? कोई ऐसा था, या सुनो, और कोई ऐसा था. ये सब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हुए, एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए और सबका कॉम्बिनेशन एक रिजल्टेंट नेट ऐसा वेवफॉर्म बना. और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सेम शेप है उसका ऊपर नीचे हर बार, तो ये प्रोड्यूस करेगा म्यूजिक. म्यूजिक इज गुड फॉर यू टू हियर. म्यूजिक इज गुड, कानों को अच्छा लगता है सुनने में, है ना? तो जो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म, द शेप, द पैटर्न ऑफ द वेव डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द साउंड. डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द साउंड. इफ इट इज अ नाइस एंड प्रॉपर वेव फॉर्म इट विल प्रोड्यूस म्यूजिक. लेकिन अगर मुझ जैसा कोई बेसुरा इंसान गाना गाता है, Yes. कौन सा गाना गाओ? फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज ऑल्सो द फंक्शनिंग ऑफ अ सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है. आई विल बी रिकॉर्डिंग समथिंग. चलो यार गाना क्या गाओ, मैं अज्यूम करता हूँ कि बात ही कर लेता हूँ, है ना? और मेरा आवाज इतना अच्छा तो है नहीं. नाउ दीज आर द वेव्स ऑफ माई साउंड प्रोड्यूस. अगर मैं धीरे धीरे बात करता हूँ और अगर मैं जोर से बात करता हूँ तो ये चेंजेस आते हैं, समझ रहे हो? अभी मेरा आवाज कोई बहुत अच्छा म्यूजिक वाला तो है नहीं. यस. तो रैंडम साउंड प्रोड्यूस होगा, रैंडम वेव्स, ये सुनो. और अगर मैं तीन तीन चार चार चीजें एक साथ बजाऊं और मेरा आवाज इतना अच्छा तो है नहीं. नाउ दीज आर द वेव्स ऑफ माय साउंड प्रोड्यूस. अगर मैं धीरे धीरे बात करता हूँ और अगर मैं जोर से बात करता हूँ, समझ में आया? सो दिस वॉज द रिकॉर्डिंग ऑफ माई साउंड. जब जब मैं जोर से चिल्लाऊंगा तब तब यहाँ पे ऐसा एक स्पाइक हो रहा है जोरदार, है ना? तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो हॉस्पिटल में देखते हैं उसमें अगर ऐसा एकदम से हार्ट रेट ऊपर जाता है, मतलब क्या हुआ, हार्ट बहुत जोर से बीट कर रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं अरे बाप रे हार्ट जोर जोर से बीट कर रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये सुनो. अरे लेकिन अगर मैं सी इफ आई प्रोड्यूस मल्टीपल साउंड्स हियर,
करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात भी कर रहा हूँ, क्लैप भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ एक साथ, तो देखो कैसा चेंजेस हो रहा है। लुक एट द प्रीवियस साउंड वेव एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर साउंड वेव। जब जब क्लैप का आवाज आया तब तब काइंड ऑफ ये फ्लक्चुएशन आया, देखो ये वाला काइंड ऑफ ये वाला यस। जस्ट लिसन टू दिस, बात भी कर रहा हूँ, क्लैप भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ एक साथ, तो देखो कैसा चेंजेस हो रहा है। सी आफ्टर आई स्टॉप क्लैपिंग, यस ये सब बंद हो गया, ऐसा वेव फॉर्म देखो ना, इसके बाद मैंने क्लैप करना बंद कर दिया तो यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा वेव नहीं आया। सो इट ऑल डिपेंड्स। नाउ दिस इज अ नॉइस, तुम बोलोगे अबे पढ़ा रहा है क्या, बकवास कर रहा है क्या, ताली बजा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ये नॉइस है ना। लुक एट द वेव फॉर्म, बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है, कभी भी कुछ भी हो रहा है ना। यहाँ छोटा बिल्डिंग बना, यहाँ बड़ा बिल्डिंग बना, यहाँ और कुछ बिल्डिंग बना, यहाँ पलटा बिल्डिंग बना, है ना। सो द ये हो गया नॉइस। सो द क्वालिटी ऑफ योर साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म, द पैटर्न ऑफ द वेव्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। आई बात, तो दो तरह का वेव फॉर्म्स हो सकता है, एक सिमेट्रिक एंड नाइस विच विल प्रोड्यूस म्यूजिक, और एक गंदा सा साउंड कुछ तो रहेगा, यस दैट इज नॉइस। सो आज हमने दो मेन चीजें सीखी। जो चीजें हम सीख रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, एक हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड, या फिर पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड द वेव फॉर्म, द फॉर्म ऑफ वेव, वेव फॉर्म डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ साउंड, यस quality of sound, or this is also called as timbre, T-I-M-B-R-E होता है, this T-I-M-B-R-E, timbre of sound मतलब quality, timbre मतलब quality of sound, कि noise होगा या music होगा, ठीक है। अब मैं तुमको एक homework दे रहा हूँ छोटा सा, please read the topic music versus noise, यस थ्योरी एंड एक टेबल रहेगा बुक में, डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस, NOISE होता है ना यार, NOISE, म्यूजिक और नॉइस का कुछ एक दो पैराग्राफ दिया रहेगा, म्यूजिक क्या होता है कैसे होता है, नॉइस क्या होता है कैसे होता है, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। वैसे तो मैंने सिखा दिया, बट एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा एक दो कुछ हल्का फुल्का नया पॉइंट रहेगा, डेसिबल्स वगैरह वो हम सीखने वाले हैं वैसे भी। एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम द चैप्टर इज लाउडनेस, लाउडनेस इंटेंसिटी, लाउडनेस ऑफ द साउंड, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सीखा है ना, तो तुम बोलोगे क्यों सीखना है भाई एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, करेक्ट, बिकॉज द एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। Fine. So this we will continue in the next session. I hope you guys enjoyed the session and you have understood all the concepts. Please read whatever I have done today. Right from the beginning, ये छोटा-छोटा जो formulas का part है ना, ये भी go to part A and read it. Part A पे जाओ, उसको read करो. Yes? ये speed of sound वगैरह. Then go to part B. पार्ट बी से हमने कुछ किया क्या? नहीं, पार्ट बी से शायद कुछ नहीं किया, है ना? Then come to part C, read the entire part C. Yes, part C में दो parts पढ़ना सिर्फ, एक pitch और एक sound quality. Pitch and sound quality. ये दो चीज पढ़ना, loudness नहीं पढ़ना, CRO के बारे में कहीं दिया रहेगा वो भी पढ़ लेना, please do that. Yes? तो तुमको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है, रीड करना जरूरी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।